आज के व्लॉग में फिर से होने वाला है ट्रैवल। ये देखो मेरा पासपोर्ट और टिकट, ये रहा हमारा फ्लाइट। सो फाइनली वी लैंड। तो अभी मिरेकल गार्डन पहुंच चुके हैं, द मेन थिंग ऑफ मिरेकल गार्डन। तो गाइस अभी ग्लोबल विलेज पहुंच चुके हैं और ये देखो सब फैमिली यहाँ पर बैठे हुए हैं। Hey guys, welcome back to my new vlog. So, आज के vlog में फिर से होने वाला है travel. Traveling series शुरू होता है इस vlog से। पहले ही आप लोगों को बोलता हूँ मेरी क्रिसमस, और इतना दिन vlogs नहीं डालने के लिए बहुत 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 माफ़ी चाहता हूँ। मैं तो vlogs डाल नहीं पाया, exams का सीन था, उसके बाद स्कूल का थोड़ा एनुअल प्रोग्राम का सीन था, थोड़ा बिजी था, उसके लिए हम लोग मतलब मैं व्लॉग नहीं दे पाया आप लोगों को। पर कोई बात नहीं, अभी से व्लॉग आ रहा है और न्यू ईयर तक आएगा। वी आर फ्लाइंग टू समवेयर इंटरनेशनल फॉर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। वो आप लोगों को आगे के व्लॉग में मालूम चल जाएगा और थंबनेल और टाइटल में तो दे ही दूंगा शायद, पर अभी रिवील नहीं करते हैं, थोड़ा देर बाद रिवील ज़रूर करेंगे। लेट्स गो। सो हियर्स माय बैकपैक, हियर्स माय ब्रदर, और वो हमारा लगेज, वो मेरा भाई का लगेज। ब्रदर नींद हुआ थोड़ा थोड़ा? मेरे को भी एक घंटा का हुआ। मैं तो हमारा पूरा अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट है, 5:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है और अभी बज रहा है 5:05, 25 मिनट है हमारे पास एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। सो बिना देरी के निकलते हैं वरना पापा बहुत जोर का गाली देगा। चलो। We're doing all right. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. ये देखो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और क्या सुंदर से सजा है यार, मतलब क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए इतना सुंदर डेकोरेशन, जस्ट वाव। ये देखो मेरा पासपोर्ट और टिकट, फ्लाइंग टू दुबई गाइस। अभी लाउंज में आए थे, खाना पीना कंप्लीट किया, यहाँ पर बैठा है हमारा तनु काकू और यहाँ पर मेरा भाई, अभी लाउंज में वेट कर रहे हैं और हमारा बोर्डिंग टाइम शुरू होने वाला है 8:25 को और अभी बज रहा है 7:40, तो अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। अभी हम लोग एयरपोर्ट आज पहुँच गए थे 5:30 को, पर हमारा सब एयरपोर्ट का इमिग्रेशन प्रोसीजर सब कंप्लीट हो गया। आज बहुत ही खाली था एयरपोर्ट, तो 6:30 बजे के अंदर सब कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग लाउंज में आए, खाना पीना किया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर से ब्लॉग करना शुरू कर रहा हूँ मैं। अभी बज रहा है 7:40, तो बोर्डिंग कुछ ही देर में चालू हो जाएगा। ये रहा हमारा फ्लाइट और यहाँ बैठा मेरा भाई, अंकल और मम्मी और गणेश जी। तो अभी फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं और यहाँ पर लाइन खतरनाक वाला है, देख सकते हो। अभी हम लोग इतना जल्दी तो कुछ नहीं है, पर फिर भी लगेज रखने में थोड़ा इशू होता है, इसलिए जल्द से जल्द जाना ही अच्छा रहता है। सो दिस इज़ आवर टू टीम, 1 person, 2 person, 3, मम्मी पापा अंकल और एक मामा, वहाँ पर और एक मामा, वहाँ पर भाई। सो वी आर इन द एरो ब्रिज और जस्ट माय टिकट, यस द पैसेंजर्स गिविंग द क्यू। आई एम नॉट गोना बी द वन टुनाइट। तो अभी फ्लाइट में बैठ चुके हैं, विंडो सीट मिल चुका है भाई यहाँ पर मेरे बगल में, सामने पापा और मम्मी लोगों का सीट है। तो अभी टेक ऑफ होने वाला है, फ्लाइट को पीछे लिया जा रहा है, हिंदू नॉन वेज मील। सो ये है, बाकी का प्लेन ये। तो अभी लैंड होने वाले हैं, डेजर्ट्स देखना चालू है, तो आप लोग अभी देखो फिलहाल लैंडिंग का शॉट। तो
एडिटिंग थी इन द फ्लाइट। सब लोग इतना जल्दी उठ जाते हैं, ऐसा लगता है कि इन लोगों को जाने के पहले सब कुछ हो जाता है, सब कुछ अभी जाना है इन लोगों को। पूरा फ्लाइट खाली होने के बाद हम निकलते हुए, तब कुछ ही पैसेंजर्स बाकी हैं, उस टाइम हम लोग निकल रहे हैं। सो फाइनली वी लैंडेड इन दुबई। हम बैगेज कलेक्ट करने वाले हैं और उसके बाद हमारा पिकअप होगा, उसके बाद होटल जाएंगे और फिर से घूमने शुरू हो जाएगा आज शाम से। तो बिना देरी के बैगेज कलेक्ट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो हियर्स आवर कार जो हम लोगों को पिकअप करने आया है, मतलब ये गाड़ी हम लोगों को पिकअप करके हॉलीडे इन होटल में ड्रॉप करेगा। तो फिलहाल के लिए गाड़ी में बैठते हैं, बहुत टायर्ड है। ये सिम कार्ड लिया और उसके बाद बाहर आया और गाड़ी में यहाँ पर लगेज अभी जा रहा है और मैं इस साइड में ब्लॉक कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये देखो हमारे पास में ही एयरपोर्ट, पीछे सब बैठे हैं। नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम इमरान। इमरान सर हमारा गाड़ी चला रहा है और यहाँ पर तो दूसरा साइड में स्टीयरिंग रहता है। Since we are apart, you know it's always the heart first. Don't care if it hurts, you're making it worse. I'm not gonna feel a thing tonight. Not gonna feel a thing. आगे हमारे टेस्ला और हम लोग अभी होटल की तरफ जा रहे हैं। So guys, अभी होटल पहुंच चुके हैं और आप लोग एक बार फिलहाल के लिए सीन चेक कराते हैं। So here is the room. Here is the washroom. And here's the beautiful room. बहुत ही सुंदर रूम है और यहाँ पर व्यू देखो गाइस, क्या सीन, सुंदर भाई बैठा है यहाँ पर। ये ब्यूटीफुल सा रूम, हॉलीडे इन एक्सप्रेस अल बर्शा। ये जो आप लोग व्यू देख रहे हो ये होटल के इनसाइड का व्यू है, लॉबी एरिया का। इस साइड में रिसेप्शन है और यहाँ से लाउंज है और ये सब डेकोरेशन किया था क्रिसमस के लिए, अभी न्यू ईयर पार्टी भी है। तो अभी बहुत सारा व्लॉग आएगा, मजेदार वाला व्लॉग आएगा, दुबई फॉर द न्यू ईयर्स गाइस, दुबई फॉर द न्यू ईयर्स। तो अभी नहा के रूम से आ गया हूँ नीचे, अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं मिराकल गार्डन। यहाँ का मतलब दुबई का फेमस गार्डन, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। मिराकल गार्डन जाने वाले हैं अभी फिलहाल के लिए, उसके बाद जाने वाले हैं ग्लोबल विलेज। अभी आज का व्लॉग पूरा 11 बजे तक चलेगा, तो डोंट मिस द व्लॉग, पूरा व्लॉग देखिए, एंड तक देखिए। अभी जा रहे हैं मिराकल गार्डन। आज ये ब्लॉग मैंने सोचा कि बोरिंग नहीं बनाना है, मतलब एयरपोर्ट का ब्लॉग तो आप लोग बहुत बार देख चुके हो, छोटा छोटा करके क्लिप दिया, और यहाँ पर घूमने का मेनली मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ, तो एंजॉय द ब्लॉग, एंजॉय। ये रहा हमारा होटल और ये देखो होटल के सामने क्या, बेंटली, और ये क्या, और वो देखो रोल्स रॉयस, अमीर अमीर वाला वाइब्स, क्या बोलते हो, यहाँ पर सेटल हो जाते हैं, क्या बोलते हो, सेटल हो जाते हैं यहाँ पर, बढ़िया होगा। I'm not gonna see your face tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So cry all you want, but I still walk away. So अभी मिराकल गार्डन पहुंच चुके हैं और अंदर जा रहे हैं। मिराकल गार्डन पहुंच चुके हैं पर थोड़ा अंधेरा हो गया है, लाइट्स भी चालू हो चुका है। ये देखो गाइस पहुंच चुके हैं, सच्ची में भाई मिराकल है, मिराकल भाई, क्या सुंदर लग रहा है गार्डन। यही है एंट्रेंस, इधर एंट्रेंस और ये पहले ही है भाई, क्या सुंदर है रे भाई, क्या सुंदर है, मतलब ये देखो भाई, ओपी ओपी, एकदम मस्त मस्त लग रहा है। मतलब इतना शांत सा जगह, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रहा है और कुछ भी नहीं। ये देखो यहाँ एक एंट्री है, अंदर क्या है देखते हैं। Oh my God! ये देखो सर, क्या सुंदर। ये देखो गाइस क्लॉक, फ्लावर से बना हुआ क्लॉक, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एंड द मेन थिंग ऑफ मिराकल गार्डन, एमिरेट्स का फ्लाइट, क्या भाई सुंदर लग रहा है, जस्ट चुम्मा चुम्मा। ये देखो सिर्फ, वाह क्या लग रहा है ना, सुंदर, पूरा हार्ट बना हुआ, मस्त लग रहा है, मस्त। तो आप लोगों को फिलहाल के लिए थोड़ा सिनेमैटिक्स दिखाते हैं ये मिराकल गार्डन का, सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो।
अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत गार्डन का 360 शॉट देता है। 360 कैमरा मैं लाया हूँ तो देना तो बनता है। ज़्यादा ट्रैफिक लग चुका है, आप लोग एक बार दिखाते हैं। ये देखो कितना ट्रैफिक लग गया, पूरा आगे तक पूरा ट्रैफिक है। और ये आज दूसरा गाड़ी मिल गया हम लोगों को। देखो हम ग्लोबल विलेज घुस रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ग्लोबल विलेज। तो अभी फ़िलहाल ग्लोबल विलेज पहुँच चुके हैं और एंट्री लेने वाले हैं। अभी बज रहे हैं 7:40 और ग्लोबल विलेज का हमारा जो पिकअप है फिर से होटल के लिए वो 11 बजे गाड़ी आएगा। तो 7:30 से 11 बजे तक हम लोग यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ का स्टॉल बना रहता है, मतलब इंडिया का एक ग्रुप, पाकिस्तान का एक ग्रुप, दुबई का एक ग्रुप, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लंदन का एक ग्रुप, वहाँ का जो फेमस फूड रहता है, स्टॉल्स रहता है, जो भी फेमस चीज़ें रहता है, स्वेटर मान लो जो भी है, सब यहाँ पर मिलता है एक पॉइंट में। तो वही है टोटल ग्लोबल विलेज। तो गाइस अभी ग्लोबल विलेज पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पर खतरनाक वाला भीड़ है, खतरनाक। जो रास्ते में देखा था पूरा ट्रैफिक जाम, यहाँ का सीन चेक करो एक बार, मतलब इतना सारे लोग। क्राउड देखो, सिर्फ यहाँ से पूरा सामने तक है, ऐसा पूरा सामने तक क्राउड है। पापा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मम्मी कैसा लग रहा है? मस्त। कैसा लग रहा है? बिंदास। तो यहाँ पर अभी एक शो चल रहा है, आप लोग एक बार फिलहाल दिखाते हैं वो शो देखो, उसके बाद ये पैनोरामिक व्यू दिखाएंगे ग्लोबल विलेज का। ये देखो इजिप्ट, और देखो मोरक्को, वहाँ पर क्या है दिख तो नहीं रहा है, और वो रहा इंडिया, ये इंडिया हवा महल राजस्थान इंडिया। तो वो जो देखे वो है इंडिया। भाई इंडिया में भी क्या क्या मिल रहा है मैं देखना चाहता हूँ। ये देखो इंडिया पहुँच गए अभी, हवा महल वहाँ पर है, कतार वहाँ पर भी बहुत सारा है। भाई एक सच बात बोलूँ, कल शाम से एक्चुअली ट्रैवल चालू है। आप लोगों को तो आज सुबह का ब्लॉग दिया, मतलब कोलकाता से, पर हम लोग पुष्कर से कोलकाता आए थे पिछले दिन, मतलब 26 को शाम को हम लोग कोलकाता आए थे, और 27 को सुबह सुबह 4 बजे हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट के लिए निकले। अभी आज जब यहाँ पर 7:30-8 बज रहे हैं ना, पैर भयंकर वाला दर्द होता है। क्या बोलते हो, दर्द नहीं हो रहा तुम्हारा? हो रहा है, मेरा भी दर्द हो रहा है। और भाई मन कर रहा है कहीं पर बैठ जाऊँ, या होटल में अगर बेड मिल जाता अभी सो जाता। क्या चाइना? हाँ अभी दिखाते हैं ग्लोबल विलेज में हम लोग घूम रहे हैं ना। ये देखो पैलेस्टाइन, वो देखो चाइना, ये देखो ये है चाइना, उस साइड में लिखा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा पर मेरे को दिख रहा है। यहाँ पर खाने का बहुत सारा स्टॉल है। कैसा लग रहा है ग्लोबल विलेज, सच्ची में बताओ? अभी घूमा कहाँ है, अभी तो शुरू हुआ है। ये बात बहुत सही कहा है, मतलब यहाँ पर अगर आप लोग 5 किलोमीटर भी वॉक कर लो तो भी कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा घूमा है थोड़ा। ये बहुत बड़ा एरिया में है, बहुत बड़ा एरिया में, मतलब 6-7-8 घंटा घूमना कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। मतलब सुबह से अगर आ जाओ ना, पूरा घूम के कंप्लीट नहीं कर सकते। अभी हम लोग घूमते घूमते ये देखो कहाँ पर आ गए, मिनी वर्ल्ड, और वहाँ पर डांस चालू है। चलो देख के आते हैं, थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हैं। सो अभी
मेरे को इतना मन हो रहा है ना इन लोगों को देख के, वो व्हाइट वाला ड्रेस होता है ना पूरा ऊपर से नीचे तक, व्हाइट ब्लैक ब्लू ग्रीन में रहता है, मेरे को लग रहा है कि कल मेरे को खरीदना चाहिए और पहन के घूमना चाहिए, क्या बोलते हैं? होता है ना वाइब तो आएगा। अभी हम लोग रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट कुछ, वहाँ पर डिनर करेंगे, यहाँ पर ग्लोबल विलेज में ही। डिनर करने के बाद निकल जाएंगे क्योंकि अभी तो बज रहा है 9:30 और डिनर करते करते 10:30 बज जाएगा, उसके बाद होटल निकलने में, यहाँ से होटल का डिस्टेंस भी आधा घंटे से ज़्यादा है। तो फिलहाल डिनर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो कुछ भी मेरे सामने आएगा सुंदर वाला इंटरेस्टिंग चीज़। सो अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और ये देखो सब फैमिली यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुंदर वाला। यहाँ पर आप लोगों को मतलब मेरे को जो प्रॉब्लम है आप लोगों को होना नहीं चाहिए। ये देखो रेस्टोरेंट का नाम ग्रैंड ढाबा। तो आप लोग अगर ग्लोबल विलेज आ रहे हो यहाँ पर खाना खा सकते हो, मैंने यूट्यूब में देखा था इसका रिव्यू, अच्छा है। और यहाँ से व्यू देखो रूफटॉप का, बहुत ही सुंदर वाला व्यू है। और वो देखो पाकिस्तान। सो गाइस अभी डिनर हो चुका है और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के वहाँ पर, और वहाँ से हम लोगों को पिकअप करके ड्रॉप करेगा होटल में, और होटल में जाके आज व्लॉग एंड कर देंगे फिलहाल के लिए। आज कैसा लगा बोलो अभी ग्लोबल विलेज? अभी तक के लिए तो ठीक ठाक था, मस्त लगा ना। मतलब हाँ एक चीज़ तो है, मतलब टाइम लेके आना पड़ेगा और थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब ये यहाँ पर 4-5 घंटा इनफ नहीं है, मतलब समझ गया। हम लोग सोचो इतना टाइम थे 7:30 से 11 तक थे, मतलब उस टाइम में भी हम लोग 3 या 4 ही जगह घुसे, इंडिया घुसे और 2-3 जगह घुसे, पाकिस्तान तो नहीं गए, जाने का मन था और 1-2 जगह नो हेड्स। तो अभी जस्ट मैं बोल रहा हूँ माइंड मत करो गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के वहाँ पर, और व्लॉग को इस बार ना बोर ही नहीं किया मैंने, मतलब जो मतलब इम्पोर्टेंट दिखा वही दिखाया। अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ खुल के, वरना ना तो आज के व्लॉग में सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वाला व्लॉग किया है पूरा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके क्लिप दिखाया, यहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर जा रहा हूँ, ये यहाँ पर वो वहाँ पर। और आप लोग ये दुबई सीरीज़ में क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग से उसे फॉलो कर सकूँ। अभी देखो कि मेरा क्या हालत होगा, अभी 11 बज रहा है, होटल पहुँचता हूँ तो 12 बज जाएगा, कल हम लोगों को सुबह 6 बजे उठना है और मेरे को आज 12 बजने के बाद एक बार तो फ्रेश होना है, उसके बाद एडिट करके अपलोड करना पूरा, मतलब 3:30-4 बज जाएगा, मतलब 2 घंटा या 2.5 घंटा स्लीप लेने के बाद, मतलब नैप लेने के बाद मेरे को फिर से कल का पूरा टूर कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी सोचो मेरे ऊपर क्या जाएगा ये दुबई सीरीज़ में, ये हर दिन होगा, पर आप लोग थोड़ा प्यार दिखाओ उसके सामने सब सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। अभी हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। सो अभी फ़िलहाल होटल पहुँच गए, एक बार फ्रेश हो लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। अभी कितना बज रहा है, कितना बज रहा है भाई? क्लॉक तो इंडियन टाइम है, कितना बज रहा है? 11:49, मतलब 11:50, 12 बजने को है। सो गाइस फिर से फ्रेश हो लिया हूँ, मतलब फिर से ना आया, उसके बाद ये देखो एडिटिंग में ये सब फाइल्स ट्रांसफ़र कर रहा था, और अभी फिर से मतलब ये फाइल्स ट्रांसफ़र करके एक बार नीचे जाएंगे, थोड़ा वर्क करके आएंगे, उसके बाद एडिटिंग में बैठेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग होटल के नीचे ही आए थे। ये सब गाड़ी यहाँ पर रेंट में मिलता है भाई, ये सब गाड़ी रेंट में मिलता है, फरारी वहाँ पर देखो, लैम्बोर्गिनी वहाँ पर, रोल्स रॉयस, कुलिनन भाई यहाँ पर इतना महंगा महंगा कार सब रेंट में मिलते हैं। ये देखो रेंट कार में मिलता है सब, तो भाई यहाँ पर इतना महंगा महंगा गाड़ी रेंट में कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ऑडी R8, मतलब वन डे आएंगे दुबई जब गाड़ी चला सकते हैं उस टाइम इंटरनेशनल लाइसेंस करा के ये सब तो स्ट्रीट में चलाना है भाई, चलाना है वन डे इंशाल्लाह होगा। ये देखो ये हमारा होटल है, और वो देखो मेट्रो, एकदम होटल के बाजू में ही मेट्रो, और यहाँ से मॉल ऑफ एमिरेट्स बहुत ही करीब है, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं है मॉल ऑफ एमिरेट्स हॉलीडे इन अल वर्षा से। ये देखो ये हमारा होटल है और वो वाला हमारा रूम है, वो वाला। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस व्लॉग को, कल के व्लॉग में दुबई का सिटी टूर वाला व्लॉग होने वाला है, बुर्ज खलीफा का व्लॉग आने वाला है, लेक राइड करने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है, तो अगला व्लॉग मिस मत करो। कंटिन्यूस व्लॉग मैं डालने का कोशिश तो कर रहा हूँ 100% देखे, मतलब अभी देखो 2 बजने को जा रहा है,
मैं एडिटिंग में बैठूंगा, उसके बाद एडिटिंग करके अपलोड करने में 4:30 बज जाएगा और सुबह मेरे को 7 बजे से पहले उठना है। तो देखो नींद का भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है गाइस। तो व्लॉग को प्यार दिखाओ, इस सीरीज को प्यार दिखाओ, क्या क्या चेंजेस आप लोगों को चाहिए वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्द अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय हबीबी, वेलकम टू दुबई।